अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पे, जो कि है कोसेकंट कोसेकंट 2040 यानी 2040 डिग्री। अगेन ये एक बहुत बड़ा डिग्री है और इसमें इसका मतलब बहुत सारे रिपीटेशंस हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कोसेकंट एग्जैक्टली क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन का पीरियड हमें पता है 2π यानी 360 होता है, तो कोसेकंट का भी क्या होगा 360 होगा। तो हमने क्या करना है, अगेन इसके 360 के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं जब तक हमारी डिज़ायर्ड रेंज ना आ जाए। और अगेन अगर आप 2040 को 40 को लेंगे और 360 से कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5 point something something। दैट मीन्स कि इसके अंदर कंप्लीट 5 cycles यानी 5 repetitions हमारी मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में लिखते हैं 2040 माइनस 5 इंटू 360, जो कि 360 का मतलब 1 complete period, वो आता है 1800। तो 2040 में से 1800 निकालेंगे, आंसर आएगा 240 डिग्री। अब ये जो 240 डिग्री है, जहां लिखा हुआ था कोसेकंट 2040, मैं लिख सकता हूं 240 कोसेकंट 240। बट अगेन 240 अगर हम अपने टेबल में देखें तो जो हमने याद रखनी है वैल्यूज, उसमें तो 0 से 90 हैं, 240 तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको मज़ीद ब्रेकअप करना है। हमें पता है कोसेकंट को हम लिख सकते हैं 240 को 180 प्लस 60 एंड 180 प्लस 60 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि 180 को गायब कर दें, क्योंकि ये इसका पीरियड नहीं है। पीरियड अगर 360 होता तो मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकता था, लेकिन ये 260 नहीं है, 360 नहीं है, 180 है। तो कोसेकंट को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन 180 प्लस 60। अब मैं अगर आपको कहूँ, हमने 90 का तो देखा था कि अगर हमारे पास 90 होता था तो कॉस बन जाता था, बट यहाँ तो अब हम 180 ऐड कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस 60 है। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। आप कहेंगे सर ये तो फिर यू नो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप प्रूव कीजिए मैथमेटिकली विजुअली, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो हम दिखाते हैं आपको। ये मैं आपके पास एक साइन वेव ले लेता हूँ, ये साइन वेव है, इसमें 360 डिग्री इसका पीरियड है साइकिल का, हमें नज़र आ रहा है बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसमें 180 ऐड करना है, तो 180 का मतलब 2 quarter पीछे की तरफ धकेलना है, 2 quarter का मतलब हाफ साइकिल। तो मैं इसे नीचे लिख सकता हूँ हाफ साइकिल इस तरह पीछे करें, एग्जैक्टली कोई मसला तो नहीं याद, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अब हमने प्रूव करना है कि अगर मैं साइन 180 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा है। तो हम बारी बारी अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, ये मैं 3 यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ और 1 by 1 देख सकते हैं आप कि एग्जैक्टली क्यों माइनस साइन थीटा के इक्वल आई है। क्योंकि साइन थीटा की जहां अपर पीक है यानी मैक्सिमम वैल्यू है, वहां पे साइन 180 प्लस थीटा वाले की लोअर पीक है, यानी ऊपर प्लस वन है तो नीचे क्या है माइनस वन। दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है 270 पे, वो क्या हमें बता रही है कि जहां ऊपर वाले की मिनिमम वैल्यू है, नीचे वाली पीक है, ठीक है, यानी माइनस वन है, वहां नीचे वाली वेव की पॉजिटिव यानी हाईएस्ट पीक है, प्लस वन है। तो आप इसी तरह देखें कि ये दोनों साइकिल जो हैं, सिर्फ इनमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं वैल्यू से तो दूसरी बन जाएगी, इसलिए हमने कहा कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां तक तो बात हो गई क्लियर, यानी कि जहां लिखा हुआ था साइन 180 प्लस 60, मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 60, माइनस बाहर लिख लेते हैं। अब साइन 60 की वैल्यू आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, आप टेबल में से देख सकते हैं ये हमारी साइन 60 की वैल्यू है। जब हम इसे लिखेंगे माइनस 1 over √3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2 over √3 एंड इस तरह हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप देखेंगे तो बड़ा इजी है, 90 जो कि क्वार्टर है उसे बाहर रखेंगे यानी उसे डिवाइड करेंगे 2040 को, 1980 आएगा, इसे देखेंगे 60, तो
तो अब इसमें हमें पता है कि कोशेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, हम इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 22 इंटू 90 प्लस 60। अब यहाँ पे जो 22 है वो हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट 5 साइकिल, अगर हम इसे लिख सकते हैं 22। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।